हेलो एवरीवन गाइस, वेलकम इन एबीसी केमिस्ट्री वर्ल्ड। और इस वीडियो में हम पढ़ेंगे व्हाट इज केमिस्ट्री, केमिस्ट्री क्या होती है। देखिए, केमिस्ट्री इज ए ब्रांच ऑफ साइंस, केमिस्ट्री साइंस की ब्रांच होती है। डायरेक्ट आंसर पे पूछते हैं पहले, फिर डिस्कस करेंगे केमिस्ट्री के बारे में काफी अच्छे से। विच डील्स विद, जो डील्स करती है, आदान प्रदान करती है, द स्टडी ऑफ, इसकी स्टडी का, किसके अध्ययन का, मैटर एंड इट्स प्रॉपर्टीज। केमिस्ट्री मैटर की स्टडी करती है, मैटर का साइंस है, ठीक है। मैटर की जो भी प्रॉपर्टीज है, ये सब केमिस्ट्री के अंदर स्टडी डील्स होते हैं, जैसे स्ट्रक्चर ऑफ मैटर, बिहेवियर ऑफ मैटर, केमिकल रिएक्शंस ऑफ मैटर। वन बाय वन इच टर्म की स्टडी अभी इसी वीडियो में हम करेंगे। देन एटॉमिक एंड मॉलिक्यूलर ट्रांसफॉर्मेशंस, फर्दर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की स्टडी, इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स की स्टडी, लार्ज प्रिंसिपल्स एंड एनालिसिस ऑफ केमिकल रिएक्शंस, इनकी स्टडी करती है केमिस्ट्री। यानी अगर आपने सारे काम करने हैं, आपको ये सारे काम करने हैं भाई, तो आप जिस ब्रांच के अंदर साइंस की आप स्टडी करेंगे उसे हम कहते हैं केमिस्ट्री। 11th और 12th क्लास के अंदर मेडिकल नॉन मेडिकल स्ट्रीम से केमिस्ट्री एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है। नीट एग्जाम में, जेडब्ल्यू एग्जाम में, सीटी एग्जाम में और अदर जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं, केमिस्ट्री एक बहुत ही बड़ा इंपॉर्टेंस रखती है। अब मैं बात करता हूं इंडिविजुअल टर्म्स की जो केमिस्ट्री डील करती है। देखिए, मैटर, सबसे पहले बात करते हैं मैटर क्या होता है। गाइस, मैटर इज एनीथिंग, देखो आपके चारों तरफ जो दिख रहा है और आप खुद भी क्या हो, मैटर। कैसे डिफाइन करेंगे मैटर को, देखिए, एनीथिंग दैट हैव मास, जिसके पास मास हो, ऑक्यूपाई स्पेस, जो स्थान घेरती हो। देख लो भाई, ये मार्कर है मेरे पास, ये कोई चीज है, ये स्थान घेर रही है, देख लो, ठीक है। एंड कैन बी फेल्ट बाई अवर फाइव सेंसेस, फाइव सेंसेस कौन कौन सी है, आई, ईयर, नोज, टंग, समझ गए, एंड स्किन। ये फाइव सेंसेस द्वारा जिसको आप फील कर सके, दैट इज व्हाट मैटर। अब मैटर जो भी आपको दिखाई दे रहा है सब मैटर है, इवन जो आपको चीज नहीं दिखाई दे रही है, जैसे एयर, दैट ऑल्सो मैटर। ओके गाइज, अकेले इस मैटर के क्लासिफिकेशन में ही ये सारी चीजें आ जाती हैं। समटाइम्स आपने पढ़ा होगा, केमिस्ट्री इज द ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स विद द स्टडी ऑफ मैटर एंड इट्स प्रॉपर्टीज। इन दो टर्म्स में ही सारी बातें केमिस्ट्री कंप्लीट हो जाती है। फिर भी हम एक बहुत बढ़िया डेफिनेशन केमिस्ट्री की, जिसमें सारी चीजें हमारे सामने क्लियर हो जाए, आपके सामने, ठीक है, सब बातें क्लियर हो जाएंगी। सबसे बढ़िया डेफिनेशन कोई भी आपसे पूछे केमिस्ट्री की आपके सामने, ठीक है। एबीसी केमिस्ट्री वर्ल्ड पे केमिस्ट्री की ये डेफिनेशन ऑल ओवर द केमिस्ट्री को कवर अप कर लेती है, ठीक है। ओके, एंड इट्स प्रॉपर्टीज, मतलब जो भी मैटर है उसकी क्या क्या विशेषताएं हैं, जैसे स्ट्रक्चर, ढांचा, मैटर। जैसे आप लोगों ने देखो बेंजीन का स्ट्रक्चर देखा होगा आपने 10th क्लास में, मीथेन का स्ट्रक्चर, इथेन का स्ट्रक्चर, प्रोपेन, ब्यूटेन का स्ट्रक्चर बनाया है, NaCl के फॉर्मूले बनाए, ठीक है। तो इनका जो एक्चुअल ढांचा है, कैसे बनावट है इनकी, इसकी स्टडी केमिस्ट्री करती है। इनका बिहेवियर, जो मैटर है उसका व्यवहार कैसा होगा आपके लिए, मतलब आपके लिए फेवरेबल होगा या आपके लिए डेंजरस हो सकता है। मतलब कुछ सब्सटेंस है जो हमारे लिए बेनिफिटेबल होते हैं, कुछ हमारे लिए हानिकारक होते हैं, जैसे पॉइजन, जहर की बात कर लेते हैं आप। फॉर एग्जाम्पल, पॉली हाइड्रोक्सी बेंजीन के कंपाउंड, जो पॉली अनसैचुरेटेड बेंजीन के कंपाउंड होते हैं, कोई प्रकार से कैंसर कोज करता है। तो इनका बिहेवियर कैसा हो गया हमारे लिए डेंजरस, कुछ सब्सटेंसेस अभी हमारे लिए बहुत ही टेरेबल होता है, ठीक है, जैसे वाटर, पानी, ऑक्सीजन, ठीक है। केमिकल रिएक्शंस, और जो भी आपका मैटर है वो केमिकल रिएक्शन करता है, जैसे भाई H2 की रिएक्शन, O2 से करवाई, पानी बन गया, ठीक है, एक सिंपल सी केमिकल रिएक्शन। इसके अलावा केमिकल रिएक्शंस की बात करें भाई, फिंकलस्टीन रिएक्शन, ये रिएक्शन केमिकल रिएक्शन तो है ही, जिसमें हैलोलकेन बनता है, हैलोलकेन से अल्डोल कंडेंसेशन,
कैनिजारो रिएक्शन, रोजनमून रिडक्शन, वोल्फ किस्नर रिडक्शन, क्लेमेंसन रिडक्शन, राइमर टाइमन रिएक्शन, ये सब रिएक्शन आपके सिलेबस इनकी स्टडी करती है। देन एटॉमिक एंड मॉलिक्यूलर ट्रांसफॉर्मेशन, क्या मतलब है? देखो एटम, हाइड्रोजन मेरे पास एक एटम है, ये दूसरे हाइड्रोजन के एटम के साथ जुड़ा, क्या बना लिया इसने? एक मॉलिक्यूल बना लिया, किसका? हाइड्रोजन। तो एटम किसमें ट्रांसफॉर्म हो गया? मॉलिक्यूल। अगर मैं हाइड्रोजन हाइड्रोजन के बॉन्ड को ब्रेक कर दूं H2 को, तो किसमें कन्वर्ट हो जाएगा? एटम मॉलिक्यूल में ट्रांसफॉर्म हो गया, मॉलिक्यूल एटम में ट्रांसफॉर्म हो सकता है, इनकी स्टडी। ठीक है, ऐसे मान लो कैल्सियम कार्बोनेट को हमने हीट कर दिया तो CaO + CO2 रिलीज होती है। ठीक है, नेक्स्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की स्टडी करती है। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स क्या होते हैं? कार्बन और हाइड्रोजन एंड इनके डेरिवेटिव्स, कार्बन हाइड्रोजन एंड दियर डेरिवेटिव्स, जो कंपाउंड कार्बन और हाइड्रोजन से बने हो या इनके डेरिवेटिव से बने होते हैं। डेरिवेटिव का मतलब, देखो जनरली कार्बन और हाइड्रोजन के कंपाउंड हैं जिन्हें हम हाइड्रोकार्बन कहते हैं, उनके अंदर से हाइड्रोजन हटा दो, ठीक है, और कोई एलिमेंट लगा दो तो उसका डेरिवेटिव बनाता है, इनकी स्टडी करती है, दैट इज नोन एज ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ठीक है, 11th क्लास में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के 2 चैप्टर है, 12th क्लास में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के 5 चैप्टर, कुल मिला के 7 चैप्टर है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के, ध्यान रखिएगा। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड वो कंपाउंड होते हैं जो कार्बन हाइड्रोजन एंड इनके डेरिवेटिव से बने होते हैं, और ऑर्गेनिक कंपाउंड की स्टडी फर्दर जो केमिस्ट्री की ब्रांच करती है इसे हम कहते हैं क्या भाई? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। क्या कहते हैं? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, सिंपल शब्द। ओके, नेक्स्ट जो इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स की स्टडी करें, इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स क्या है? कार्बन हाइड्रोजन एंड इनके डेरिवेटिव को छोड़कर जितने भी कार्बन, कितने भी कंपाउंड बच गए, सारे के सारे क्या है? इनऑर्गेनिक कंपाउंड, लाइक वाटर, CO2 क्या है? इनऑर्गेनिक कंपाउंड। आयरन, आयरन के बहुत सारे कंपाउंड, आयरन की अलॉय जैसे Fe2O3, Fe3O4, H2O, CO2, SO2, HCl, NaCl, NaBr, समझ रहे हो? ये सब क्या है? इनऑर्गेनिक कंपाउंड, यानी SPDF ब्लॉक के कंपाउंड, कार्बन हाइड्रोजन को छोड़ दो, समझ गए? पूरी प्रायोरिटी टेबल में कार्बन हाइड्रोजन इनके डेरिवेटिव को जोड़ के सारे एलिमेंट्स इनऑर्गेनिक कंपाउंड बनाते हैं भाई। ठीक, लॉज प्रिंसिपल्स एंड एनालिसिस, लॉज नियम, प्रिंसिपल्स अगेन नियम, एक प्रकार से क्या क्या नियम लगते हैं? जैसे भी लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन, लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन, बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ, पास्कल्स लॉ, गेलुसाक्स लॉ, एवोगाड्रो लॉ, ये सब लॉ है। इसके अलावा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में मार्कोनिकोव जैसे रूल आ गया, प्रिंसिपल कह दिया मैंने, नाम क्या रख दिया? मार्कोनिकोव रूल, एंटी मार्कोनिकोव रूल, जिसे खलास इफेक्ट भी कहते हैं। इसके अलावा फिजिकल केमिस्ट्री में राउल्ट्स लॉ, हेनरी लॉ, फ्रेडिस फर्स्ट लॉ, फ्रेडिस सेकंड लॉ, कोलराउट्स लॉ, ये लॉ है, इनकी स्टडी करती है, बिल्कुल एनालिसिस करती है, जो चीजें हैं उनकी जांच पड़ताल कर सकती है कि मान लो कोई भी एक कंपाउंड आपको दे दिया, इसमें क्या क्या है। मैं आया आपके पास एक कंपाउंड ले गया या एक मिक्सचर ले आया, बताओ भाई इसमें क्या क्या कंपाउंड है, ये क्या है? एनालिसिस, टेस्ट कर सकते हो आप। जैसे किसी भी कंपाउंड की प्योरिटी बतानी हो, जैसे जनरली घी की प्योरिटी बतानी है, मिल्क की प्योरिटी बतानी है, किसी भी ऐसी टाइप, कोई भी टाइप का सॉल्यूशन हो उसकी प्योरिटी चेक कर सकते हो आप, एनालाइज कर सकते हो उस कंपाउंड को वाया केमिस्ट्री। गाइज दिस वाज डेफिनेशन ऑफ केमिस्ट्री, सिंपल शब्दों में पढ़ देता हूं मैं आपके लिए। इट इज ए ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स विद द स्टडी ऑफ मैटर एंड इट्स प्रॉपर्टीज लाइक स्ट्रक्चर, बिहेवियर एंड केमिकल रिएक्शंस, ए पार्ट हो गया। बी में आप लीजिए एटॉमिक एंड मॉलिक्यूलर ट्रांसफॉर्मेशंस, सी में लीजिए ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, इनऑर्गेनिक कंपाउंड, लार्ज प्रिंसिपल एंड एनालिसिस ऑफ केमिकल रिएक्शंस, दैट्स ऑल। अब फर्दर बात करते हैं ब्रांचेस। अब केमिस्ट्री की वो ब्रांच जो ऑर्गेनिक कंपाउंड की स्टडी करती है इसे कहते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, जो इनऑर्गेनिक कंपाउंड की स्टडी करती है केमिस्ट्री की ब्रांच इसे कहते हैं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, जो लॉज प्रिंसिपल्स एंड एनालिसिस ऑफ केमिकल रिएक्शंस की स्टडी करती है इसे हम कहते हैं फिजिकल केमिस्ट्री। इसके अलावा अगर मैं बात करूं MBBS में, आपके फर्स्ट प्रोफ में, यानी कि फर्स्ट ईयर ऑफ MBBS में बायोकेमिस्ट्री सब्जेक्ट होता है, दैट इज ऑल्सो ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री, फर्दर मॉडिफाई हो जाती चीजें। इसके अलावा एनालिटिकल केमिस्ट्री, तो इट इज डिफरेंट टाइप्स की क्या है ब्रांचेज, बट मोस्ट इंपॉर्टेंट ब्रांचेस फॉर योर 11th एंड 12th क्लासेस ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री एंड फिजिकल केमिस्ट्री। गाइज नेक्स्ट वीडियोज में हम इनकी डेफिनेशन पढ़ेंगे वन बाय वन,
जैसे व्हाट इज मैटर, व्हाट इज ऑर्गेनिक कंपाउंड, व्हाट इज ऑर्गेनिक कंपाउंड, कौन कौन से लाज हैं, क्या क्या बिहेवियर है, क्या क्या फर्दर प्रॉपर्टीज है, पूरी केमिस्ट्री में इस चीज का हम क्या करेंगे, डिस्कशन करेंगे। तो गाइज ये थी केमिस्ट्री की डेफिनेशन। केमिस्ट्री के अंदर इसके अलावा जो भी आपकी यूनिट्स हैं, जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए आपको सिलेबस चाहिए, जो जो टॉपिक्स इंपोर्टेंस रखते हैं, जो ज्यादा हाईलाइटेड टॉपिक हैं, जिनसे बार बार एग्जाम्स में क्वेश्चन आते हैं, वो हम फर्दर वीडियोस में डिस्कस करें। तो गाइज केमिस्ट्री की क्या होती है केमिस्ट्री, इसकी एक और वीडियो शॉर्ट फॉर्म में आपको चैनल पे मिल जाएगी। अभी हम क्या कर रहे हैं, केमिस्ट्री को स्टार्टअप से स्टार्ट कर रहे हैं, फॉर 11th 12th में आपके बोर्ड एग्जाम्स के लिए, चाहे वो सीबीएसई एग्जाम हो, एचबीएससी एग्जाम हो, कोई भी स्टेट बोर्ड एग्जाम, और साथ ही साथ अलग से स्पेशली फॉर नीट एग्जाम, फॉर जेई एग्जाम, फॉर सीटी एग्जाम, एनी टाइप ऑफ कॉम्पिटिटिव एग्जाम, हम केमिस्ट्री की कंप्लीट स्टडी करेंगे, स्पेशली विद न्यूमेरिकल्स एंड प्रॉपर कंसेप्ट। गाइज केमिस्ट्री की बहुत ही इंटरेस्टिंग एंड कंसेप्चुअल स्टडी के लिए आप लोग एबीसी केमिस्ट्री वर्ल्ड को फॉलो कर सकते हैं। इससे पहले बहुत सारी चैनल पे वीडियो है, करीब 800 प्लस वीडियोज है जिनको आप देख सकते हैं, मैक्सिमम सोर्स वीडियोज है। इसके अलावा क्वेश्चंस की वीडियोज भी हैं, ऐसे क्वेश्चंस जो आपके बोर्ड एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, ठीक है। तो वन बाय वन हम केमिस्ट्री को कंप्लीट करते हैं। किसी प्रकार की कोई क्वेरी आपकी किसी भी टॉपिक से रिलेटेड है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। एक प्रकार से वीडियोज चलेंगी चैनल पे जो कि न्यू तरीके न्यू पैटर्न से होगी केमिस्ट्री की, एंड अदर जो वीडियो है जो एक प्रकार से मैं कह सकता हूँ ओल्ड वीडियोस जो लगातार कंटिन्यू चलती आ रही चैनल्स पे, वो अलग तरीके से चलेगी। दोनों की एक सेपरेशन होगी, वो अलग डिपार्टमेंट रहेगा चैनल पे, ये वाला अलग, इनकी अलग प्लेलिस्ट बनती जाएगी। मैं आपको प्रॉपरली ऐसा हिंट देता रहूंगा, ठीक है, ताकि आप लोगों की केमिस्ट्री पे पकड़ बहुत अच्छी हो सके। अगेन किसी भी टाइप की आपकी क्योरी हो, कोई न्यूमेरिकल हो, तो आप पूछ सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा आपके पास कोई सजेशन हो कि हाँ कुछ हमें ये चाहिए, कुछ ऐसा कर दीजिए, तो वो भी आपको मिल जाएगा। साथ ही साथ गाइज एबीसी केमिस्ट्री वर्ल्ड, देखिए एबीसी के फर्दर तीन चैनल्स हैं, एबीसी केमिस्ट्री वर्ल्ड, एबीसी फिजिक्स वर्ल्ड और एबीसी बायोलॉजी वर्ल्ड। बायोलॉजी स्पेशली नीट वालों के लिए, केमिस्ट्री और फिजिक्स नीट और जेडब्ल्यू दोनों में। आप लोगों की अच्छे से इन चैनल्स पे प्रिपरेशन करवाई जाएगी। अगेन किसी प्रकार की कोई क्वेरी हो आपकी तो आप पूछ सकते हैं, ओके। अच्छे से अपने एग्जाम्स की प्रिपरेशन कीजिए, और ये जो वीडियोज बन रही है इनको अपनी नोटबुक में लिख लीजिए ताकि आप लोगों के लिए रिवाइज करना आसान हो जाए, ठीक है। और जो भी वीडियोज हो उनको कंप्लीट कीजिए, कंटिन्यू स्टडी कीजिए और लिखिए। और कॉपी में कैसे लिखे भाई, मान लो ये वीडियो है वीडियो नंबर वन, साथ में पेज का नंबर भी डालो, फिर आगे जो इंडेक्स होता है कॉपी के पहले पेज का, जैसे ही आप कॉपी स्टार्ट करते हैं जो पहले पेज पे इंडेक्स बनाओ, उस इंडेक्स में टॉपिक का नाम भी लिख लो, पेज नंबर लिख लो कि यहां से यहां तक मिले, समझ रहे हो। ये गाइस हमारी पहली वीडियो, डेफिनेशन ऑफ केमिस्ट्री क्या होती है केमिस्ट्री। अच्छे से पढ़िए, ऑल द बेस्ट।